नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं तेईस फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है रेवती नक्षत्र शुभ योग वणिज करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के उनचास मिनट से दोपहर बारह बजकर के चौंतीस मिनट तक का होगा वहीं राहु काल दोपहर एक बजकर के तीस मिनट से तीन बज जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है आप जानते हैं इस योग का महत्व कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है आज विनायक चतुर्थी है प्रिय दर्शकों आज का जो दिव्य महाप्रयोग है वो केवल दिव्य नहीं बेहद ज्ञानवर्धक और आज के इस परिवेश में बेहद आवश्यक भी है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में है मंगल वृषभ में केतु तुला में है बुध मकर में सूर्य और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं गुरु चंद्रमा और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन में ये है ग्रह स्थिति तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे गुरुवार का दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है निदयनी राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं 28 फरवरी दिन मंगलवार पहला मुहूर्त मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का जो प्रातःकाल सात बज करके दस मिनट से प्रातः आठ बज करके अड़तीस मिनट तक है और मैं आपको बता दूं कि बाकी नौमी तिथि है रिक्ता तिथि होने के कारण शेष पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं है तो मंगलवार के दिन यह रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है आप इस मुहूर्त की महत्ता जानते हैं मैं बार बार कहा करता हूं कि रोग बड़ा या छोटा छोड़िए लाइलाज रोग भी है तो इस रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त का जो समय है उसका आप फायदा उठाइए आप अपनी दवा कराते रहिए आपको जो डॉक्टर कह रहे हैं उनकी बात को मानिए परंतु इस रोग विमुक्ति स्नान मुहूर्त के जो समय में एक बार स्नान करने भरमात्र से यदि आपके रोग से मुक्ति मिल रही जिसमें बीस पैसे भी किसी को नहीं देना करना कुछ नहीं है नीम के पत्ते को जल में डाल करके उबाल लेना है और उसी जल से स्नान कर लेना बस इतना ही कार्य करना है लाइलाज रोग भी है तब भी करिए दिव्य महाप्रयोग की ओर चलू लेकिन उससे पूर्व एक और बात प्रिय दर्शकों आजकल जो हमारी श्रृंखला चल रही है जन्म कुंडली अध्ययन को लेकर के कारण किस कारण से आपके जीवन काल में ये परेशानी हो रही है इस विषय पर जो हमारी चर्चा चल रही है मैं समझ रहा हूं कि जो मेरे दर्शक हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है और वो संतुष्ट हैं मैं यही चाह रहा था कि आप सभी मेरे दर्शक स्वयं से मैं बार बार एक ही चीज चाहता हूं कि मेरे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बनाने का एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति ज्योतिष को भली भांति समझे ये देव विद्या है यह ऋषियों की विद्या है और हर किसी का इस पर समान अधिकार है आप इस विद्या को पढ़ें इस विधा को समझें और अपने जीवन को इस विधा के माध्यम से सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। ज्योतिष में एक क्षमता है कि आपके जीवन को यह सुखद बना सके तो ज्योतिष मैं चाहता हूं कि हर किसी को सब जन्म कुंडली आपके लिए जो मेरे दर्शक हैं आपके लिए इतना आसान तो हो ही गया है कि ग्रहों को अब आप अच्छे से समझते हैं याद हो आपको जब मैं तीन और चार साल पहले कार्यक्रम शुरू किया था तो लगभग तीन साल पूर्व तो मैंने एक लाइन कहा था कि एक समय आएगा जब हम ग्रहों से खेलेंगे और मेरे दर्शक कमोबेश जो लगातार तब से जुड़े हुए हैं उनको ऐसा महसूस तो होता ही होगा प्रिय दर्शकों कुंडली मिलान में कई बार पहले तो कई बार जन्म कुंडली मिलाते ही नहीं लोग या कई बार छूट गई ग्रह मैत्री ग्रह मैत्री का ना होना दाम्पत्य जीवन को नरक के समान बना देता है कई बार परिस्थितियां दंपत्ति लोकलाज के डर से भले विवाह को तोड़े नहीं पर एक ही छत के नीचे अजनबियों की भांति वो रहते हैं अजनबियों की भांति जीवन बिताने को बाध्य हो जाते हैं घर में आना घर में रहना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा तो उन्हें बाहर लगता है कई बार विवाह विच्छेद की स्थिति भी बनती है अब देखा जाए तो इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस परेशानी को दूर किया जाए क्यों क्योंकि ग्रह मैत्री है क्या यह जानना बहुत जरूरी है ग्रह मैत्री है आपका व्यक्तित्व क्या आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को कभी बदला जा सकता है जवाब है ना प्रत्येक जीव प्राणी मात्र ग्रह से प्रभावित है अब वो जिस ग्रह के विशेष प्रभाव में है उस ग्रह का गुण और अवगुण उसके अंदर विद्यमान है अब जब दो ऐसे लोग एक साथ ही विवाह कर दिया जाता है उनका और एक साथ रहने को जब वो बाध्य होते हैं तो वो ऐसे होते हैं जहां उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से दूर दूर तक नहीं मिलता या ग्रह के दृष्टिकोण से देखें तो वो जिन जिन ग्रहों के प्रभाव में आते हैं उन दो ग्रहों के बीच नैसर्गिक शत्रुता होती है जैसे सूर्य और शनि एक प्रकाश है एक अंधकार है नैसर्गिक शत्रुता है इनमें कभी मिलापक नहीं हो सकता फलत अब इसका निदान तो नहीं हो सकता कि शत प्रतिशत आइए मैं आपको निदान बता देता हूं यह असंभव है क्या करें भाई दाम्पत्य तो चलाना है अब हम किसी भी जातक को कोई ऐसा उपाय भी नहीं करा सकते कि नहीं हम तत्वता आपको बदल देंगे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा कई जगहों पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि गोसेवा करने से गाय को गुड़ खिलाने से त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचने से अगर ग्रह मैत्री खराब हो तो उसमें राहत मिलती है लेकिन मैं बार बार कहा करता हूं ज्योतिष तो विज्ञान है और समझने का प्रयत्न करिए सारा खेल तत्व का है दो ऐसे लोगों को जोड़ दिया जाए जिनका विचार ही बहुत भिन्न भिन्न हो यदि एक कहेगा पूरब तो दूसरा कहेगा पश्चिम चूहे बिल्ली वाली स्थिति है अब उनको हम कोई भी पूजा कराएं अब चूहा बिल्ली एक साथ तो कभी नहीं रह पाएंगे फिर वो तो लड़ते ही उनका जीवन बीतेगा इसके लिए एक उपाय ऐसा है जो विचार में आता है अगर आप विवाह को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा तो देखिए इसका कोई प्रबल काट नहीं है क्योंकि अब विवाह हो चुका है गलती पहले ही थी होनी नहीं चाहिए थी जो हो चुका है अब उसे हम नहीं बदल सकते और इतना आसान भी उपाय नहीं कि चुटकी बजाइए गाय को गुड़ खिलाइए और कल से आपका सब ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा क्यों मैं बार बार कह रहा हूं यह सारा खेल तत्व का है यह तत्व जब आपस में मैच ही नहीं करेंगे तो मैं लाख गुड़ खिलवा लू और लाख कुछ भी करा लूं क्या फर्क पड़ने वाला है पर एक रास्ता है एक उदाहरण अभी अभी मैंने दिया था कि मान लीजिए कि सूर्य और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं अब हम दो ऐसे लोगों को जोड़ दिए एक की राशि सिंह है और दूसरे की राशि मकर या कुंभ है अब आपस में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद रहेगा ही रहेगा फिर क्या करें इसका एक समाधान है मान लीजिए कि इन दोनों में से पहले तो विवाह को बचाने की कौन सोच रहा है विवाह को बचाने की कौन सोच रहा है हमें उसके साथ जाना होगा लेकिन अगर यह भी देखा जाए जैसे एक उदाहरण से समझिए सूर्य प्रकाश है और शनि अंधकार आपको एक बात पता होना चाहिए कि अंधकार जैसी कोई वस्तु नहीं होती है प्रकाश का सर्वथा अभाव ही अंधकार है यानी अगर प्रकाश हो तो अंधकार समाप्त होगा अब मान लिया जाए कि पति पत्नी में से किसी एक का तत्व जो है शनि से संबंधित है और एक का सूर्य से तो ये आपस में तो कभी मिलेंगे नहीं लेकिन अगर हम जिसका सूर्य का प्रभाव है उसको सूर्य तो रहने ही दें हम जिसका शनि का प्रभाव है जो शनि के पूर्ण प्रभाव में है हम उसके साथ कुछ हद तक धीरे धीरे उसके भीतर यदि सूर्य प्रभाव को यानी अग्नि तत्व को इंजेक्ट करना शुरू कर दें उसके अंदर ये तत्व बढ़ाना शुरू कर दें तो आपस में इन दोनों का मेल हो सकता है अब सवाल यह उठता है कि जो पूरी तरह से शनि तत्व से प्रभावित है वो अग्नि तत्व को सूर्य तत्व को ग्रहण करेगा ही नहीं हो सकता है उससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगे हो सकता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगे वो चिड़चिड़ा हो जाए कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं इसका जैसा मैंने कहा कि एक ही समाधान है कि हम तत्व की मात्रा को बहुत धीमा और छोटी मात्रा में रखेंगे जैसे सूर्य तत्व को बढ़ाने के लिए लाल रंग का वस्त्र पहनना है अब शनि से प्रभावित लोगों को लाल रंग का वस्त्र तो पहनाना बहुत मुश्किल है लेकिन हम प्रयास करेंगे रूमाल से शुरू कराएंगे कि रूमाल अपने पास रखो फिर धीरे धीरे वस्त्र पहनना शुरू करो रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य की आराधना करो नमक का त्याग करो सूर्य की विशेष आराधना करो सूर्य को बल देने का प्रयास करो तो तुम्हारे अंदर धीरे 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 सूर्य तत्व बढ़ेगा अग्नि तत्व बढ़ेगा सूर्य का प्रभाव तुम्हारे अंदर बढ़ेगा तो इससे दोनों के बीच सामंजस्य हो सकता है तुम्हारे पास एकमात्र यही रास्ता दिख रहा है कि अगर हम सामने वाले के तत्व में अब हमें यह देखना है कि कौन सा तत्व किस पर भारी पड़ सकता है तो उसी तत्व को हम बनी करेंगे तो इस विधान से हम दो ऐसे लोगों को जिनकी ग्रह मैत्री कुंडली में नहीं है उन्हें भी साथ रख सकते हैं और जो उनके जीवन में रोज सांप नेवले वाली स्थिति है हर बात पर लड़ते हैं पश्चिम वाली स्थिति है कि वो पूरब कहेगा तो पश्चिम कहेगा इसमें अंतर आ सकता है लेकिन ये भी तभी होगा जब समर्पण की भावना से कोई एक कम से कम बचाने के लिए लगे ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और कल से बात बदल बन जाएगी ऐसा नहीं होगा हां ग्रह मैत्री में एक चीज अवश्य देखने को आता है कि हर ग्रह मैत्री कई बार जैसे मान लिया जाए बुद्ध और गुरु की ग्रह मैत्री ये ग्रह मैत्री भी बहुत श्रेष्ठ ग्रह मैत्री नहीं है शुक्र और गुरु की ग्रह मैत्री ये ग्रह मैत्री बहुत श्रेष्ठ नहीं है लेकिन यहां काम चलाया जा सकता है अगर फिर भी बहुत मतभेद चल रहा है गुरु और शुक्र की ग्रह मैत्री में तो शुक्र कहां उच्च होते हैं गुरु में तो हम गुरु तत्व को ही यहां बढ़ाएंगे गुरु तत्व को बढ़ाएंगे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य हो सकेगा तो यह एक ऐसा विचार है जिससे दाम्पत्य जीवन की रक्षा की जा सकती है चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और, बात करेंगे राशियों के 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 क्रम में पहली राशि राशि मेष के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज बारहवें में है आज सावधान रहने का है दिन धैर्य से के साथ ही काम करेगा दिन अच्छा नहीं है समझ लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी आज थोड़ी और बड़ी रूप में आपके सम्मुख आ सकती है कार्यस्थल पर मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा हर तरह से आपको सचेत रहना पड़ेगा तो ऊपर से मन काम में कम लगेगा एक राय है समय जैसे तैसे आज बीत रहा है बीत जाने दीजिए न किसी से उलझना है न कोई विशेष प्रयत्न करना है एक्स्ट्रा इनकम के लालच में आकर के कोई गलत कार्य न करेगा नहीं आज मुसीबत में पड़ेंगे व्यापारियों की भी परेशानियां कम होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं व्यापारिक यात्रा आपके लिए नुकसानदेह होती दिखाई पड़ रही है जोखिम भरा कोई निर्णय मत लीजिएगा जोखिम भरा कोई निवेश मत करिएगा जल्दबाजी में आकर के कोई काम करेंगे तो नुकसान अवश्य भावी है पैसा फंस सकता है लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है बहस विवाद की स्थिति से आपको पूरी तरह से दूर रहना है और यही बात विद्यार्थियों के लिए कहूंगा विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के केवल और केवल आपका नुकसान होगा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है मानसिक तनाव व्याप्त रहने वाला है शिवलिंग पर आज बिलुपत्र अर्पित करिए इससे फायदा होगा लकी एक लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप ना करें तो वही वृषभ के जातकों के लिए दिन ठीक है आमदनी भी है और धन आगमन और धन संचय दोनों के दृष्टिकोण से दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है कोई कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था कहीं पैसा जो फंसा हुआ था ये कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया या यूं कहूंगा आपके लिए कि सब कुछ आसान होता दिखाई पड़ रहा है किसी भी तरह की परिस्थिति से आप आसानी से निपट सकते हैं सफलता आपको मिलेगी यूं समझ लीजिए कि सफलता प्रदायक है दिन व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा फल देने वाला है आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा परंतु एक बात का ख्याल रखिए किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीद बिक्री करनी है तो उसके लिए आज आज का दिन बहुत बढ़िया है भावनाओं में बहकर के आज के वृषभ राशि जातक कोई निर्णय न लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आज का दिन आपको सर्वश्रेष्ठ देने वाला है स्वास्थ्य में मानसिक तनाव अगर उससे जूझ रहे तो मुक्ति मिलेगी और पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो उससे भी राहत आपको मिलेगी आज गणेश जी के मंदिर में कपूर जाकर के दान करिएगा लकी अंक तीन लकी कलर ब्राउन निवेश अवश्य करिए मिथुन के जातक भी निवेश करें दिन हर तरह से आपके पक्ष में है आत्मविश्वास जबरदस्त रहने वाला है धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी करियर को लेकर के यदि परेशान थे तो समझ लीजिए करियर से संबंधित कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसके चलते सारी चिंता दूर हो जाए कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे व्यापारियों हो के लिए आज के दिन को मैं अति उत्तम कह रहा हूं सोच समझ करके निर्णय लें और फिर देखें आज का दिन हर तरह से आपको फायदा देने वाला है आज व्यर्थ के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो अवश्य करिए याद रखें दोस्त हो या सांथ के लोग जहाँ भी रहें सभी आपके लिए मददगार साबित होंगे लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको भी जरा सलाह मशवरा करके ही काम करना चाहिए दिन फायदा देने वाला है इस दिन का पूरी तरह से लाभ उठाइए दिन की दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा आज पुराने प्रेमी से मुलाकात की भी संभावना है तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है माता पिता के साथ आज अभद्रतापूर्ण व्यवहार न करें वाणी पर संयम रखें और विद्या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भोजन जरा सचेत होकर के करें मसालेदार भोजन का आज प्रयोग कम ही करिएगा आज देवी के मंदिर में जाकर के के देवी चरणों से थोड़ा सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाइए लकी अंक आपके लिए एक और लकी कलर सिंदूरी ही है निवेश अवश्य करिए तो वहीं कर्क के जातकों की बात करूं तो भाग्य का साथ कम मिलेगा कार्यों में अड़चन आने वाली है हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका प्रयत्न जबरदस्त होता है तो अंततोगतवा सफलता मिलेगी लोगों को यह मानना होगा कि आपकी क्षमता जबरदस्त है यानी आप अपनी क्षमता से सभी को प्रभावित करने वाले हैं या यूं समझ लीजिए कि सभी आपके काम की तारीफ करेंगे ही करेंगे नई नौकरी के यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए इससे संबंधित ऑफर आपको मिलने वाला है नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं कहूंगा कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं लेकिन बड़ा सचेत होकर के दूसरों की बातों में आकर के कोई निर्णय न लें मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को सलाह है सचेत रहें आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं प्रेमी के ऊपर आज खर्च थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है तो खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है रक्त जन्य रोग रक्त विकार से परेशान होते दिखाई आप बढ़ रहे हैं लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है सभी कर्क राशि के जातक आज गाय को गुड़ खिलाए इससे फायदा अवश्य मिलेगा और सिंह के जातकों की बात करूं तो निवेश से आपको बचना होगा मन को शांत रखिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए तभी जाकर के आपको कार्यों में आपकी सफलता मिलेगी कुल मिलाकर के देखें तो परिस्थितियां आज बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है हालांकि एक अच्छी बात यह है कि धन आने में दिक्कत है परंतु धन धन आता है तो धन संचय अवश्य होगा जोखिम भरा कोई ऑफर ना स्वीकार करें तो ही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों को भी जरा सचेत रहना होगा किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आपके लिए आज नहीं है आप ना करें अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर ना करें किसी को धन उधार ना दें और अत्यधिक कमाने के लालच में आकर के कोई गैर कानूनी काम न करें तो कुल मिलाकर के आज सचेत रहने में ही आपकी भलाई है ऋण लेना देना दोनों ठीक नहीं है प्यार का इजहार करने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक है जीवन साथी का साथ मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं कड़ी मेहनत करें आपके लिए दिन सफलता प्रदायक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है कोई पुराना रोग परेशान करेगा या जिनको किसी न किसी तरह की एलर्जी है उन्हें परेशानी होने वाली है आज गायत्री मंत्र का इक्कीस बार जब करिएगा लकी अंक पांच लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश से बचिए तो कन्या के जातकों के लिए दिन भाग्य प्रदायक है सकारात्मक आगे बढ़िए भाग्य चूंकि आपके साथ है फलत आपके द्वारा लिया गया फैसला पूर्ण रूपेण आपके पक्ष में होगा आपके लिए फायदेमंद होगा भाग्य आपके पक्ष में है फलतः भविष्य को लेकर यदि कोई योजना आप बनाते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण बहुत है कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है ऑफिस हो या वर्क, जहां भी रहेंगे लोग आपके विचार को गंभीरता से लेंगे कोई ऐसा काम आज आप कर सकते हैं जिससे आगे चल करके आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन आपके पक्ष में है व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आपको लेना है लीजिए दिन चूंकि अच्छा है तो इस दिन का आपको पूरी तरह से फायदा उठाना होगा आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत होती दिखाई पड़ रही है विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें इससे आपको बहुत नुकसान होगा बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करने की आवश्यकता है दिन अच्छा है सफलता प्रदायक है और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति थोड़ी होगी ये कार्य की अधिकता के कारण बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं लकी अंक दो लकी कलर आपके आज केसरिया है निवेश अवश्य करिए और तुला के जातकों की बात करूं तो आपका आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है या यूं कि सफलता दायक है पूर्व से भी कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है विवाद से आपको दूर रहना होगा आज आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे तो सबसे पहले तो कार्यस्थल पर ऐसे विवाद उत्पन्न करने वाले लोगों से बचिएगा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जय होगी परंतु आपको इन सब चीजों से दूर रहने का प्रयत्न करना है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा वाहन से आपको सचेत रहना है क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और उग्रता में कोई कार्य मत करिए किसी को मजा चखाने के लिए आज कोई कार्य मत करिए आप सिर्फ अपने हित की सोचिए और अपने लिए जो सही हो किसी का उससे नुकसान ना हो वही सोच समझ करके आगे बढ़िए बहस विवाद लड़ाई झगड़ा इससे केवल और केवल नुकसान होने वाला है दाम्पत्य जीवन ठीक है हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी आपको आपकी शिक्षा से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो कि आपके लिए हो और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो थकान थोड़ी महसूस होगी बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है आज सफेद चंदन ले जाकर के देवी के मंदिर में दान करिएगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए जामुनी है निवेश भी कर सकते हैं वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा परेशानियां रहेंगी निवेश से भी नुकसान होगा व्यस्तता में रहने के बावजूद प्रयत्न के बावजूद वो लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है जिसको जो आप पाना चाहते हैं तो आप भी योजना बना करके काम करिए दिन अच्छा नहीं है कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना ही करें विशेष करके यदि आप मल्टीपल व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा आज किसी सरकारी मुसीबत में भी फंसने वाले हैं तो व्यापारियों के व्यापार में फायदा कम होता दिखाई पड़ रहा है कारोबार कहीं ना कहीं आज, आज आपको मुसीबत में डालने वाला है सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं अधिक कमाने के चक्कर में कहीं मुसीबत में मत फंस जाइएगा भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिएगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा तो दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको बहुत फायदा होने वाला है तो उनके तरफ से आपको खुशखबरी है बाकी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी या बेचैनी दिखाई पड़ रही है थकान महसूस होगा आपको और संभव है कि ब्लड प्रेशर की शिकायत भी आपको हो तो सावधान रहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के और आज अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके कुत्ते को खिलाइएगा इससे फायदा मिलेगा लकी अंक एक लकी कलर क्रीम है निवेश से बचिए धनु के लिए दिन ठीक है जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे लिस्ट तैयार करिए कौन कौन से जरूरी काम है और प्रेमियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है माता पिता का सहयोग मिलेगा पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था तो वो दूर होगा भाग्य का साथ मिलने वाला है सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया है तो वहीं नौकरी पैसा जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है और यही बात यदि हम व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बढ़िया दिख रहा है शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जरा सचेत होकर के करिएगा धैर्य बनाए रखिएगा निवेश से फायदा आपको अवश्य मिलेगा तो वहीं कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं विशेष करके पार्टनरशिप में कदम आगे बढ़ाइए परिवार का साथ आपको मिलने वाला है परिवार के सदस्यों से विशेष करके माता पिता से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा अगर कोई पुरानी परेशानी थी तो वो भी दूर होगी प्रेम के क्षेत्र में सहयोग मिलने वाला और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है किसी भी तरह का फॉर्म इत्यादि भरना है कोई इंटरव्यू देना है कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं है आज किन्नरों का आशीर्वाद यदि आपको मिले तो इस सबसे आपके लिए हितकर होगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश करिए मकर के जातकों के लिए भी दिन ठीक है लाभप्रद है आत्मविश्वास प्रदायक है यूं समझ लीजिए कि लंबे समय से कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी कुछ बड़ा करने की चाह थी तो वो चाह आपकी पूरी होने वाली है नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे इससे संबंधित भी कोई ऐसी सूचना अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है दिन धनदायक है और यूं समझिए केवल धनदायक नहीं छोटे मोटे सभी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं जिन कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी वो भी कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं समय आपके पक्ष में है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा तो वहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ आज जा आप जाने का अगर योजना बना करके बैठे हैं तो कर सकते हैं जा सकते हैं लेन के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है लेन करने के लिए आज का दिन अच्छा है और कुल मिलाकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी का अपमान मत करिएगा वाहन चलाते समय सरकारी अधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा नहीं मुसीबत में पड़ेंगे प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं व्यापारिक दृष्टिकोण से बढ़िया है न देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है तो उनके स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें और सफेद पुष्प शिवलिंग पर आज जाकर के चढ़ाएं लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज सफेद है निवेश अवश्य करिए तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन वही अच्छा है धनदायक भी है और धन संचय कराने वाला भी है अपनी बात किसी के सामने भी रखकर करके उसे आज आप सहमत करा सकते हैं दोस्तों के साथ परिजनों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है तो कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है यूं समझ लीजिए कि चुनौतियां गंभीर पेश करने वाला है दिन लेकिन आप हर तरह की परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है जो भी योजना आपके दिमाग में है उस योजना पर काम करना शुरू करिए बड़ा फायदा होगा किसी का अपमान मत करिए किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बना हुआ है संबंध मधुर होते दिखाई पड़ रहे हैं तो वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा समय बहुत ही श्रेष्ठ है तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में गले में दर्द की शिकायत संभव है तो इसका जरा ख्याल रखिए मौसमी रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं सचेत रहिए आज देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जलाइएगा लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज क्रीम निवेश आप करें मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है बहुत दिनों से रुका कोई कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि दिन अच्छा है काम आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं नौकरी में प्रगति दिखाई पड़ रही है नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो यहां भी सफलता कार्यक्षेत्र में वृद्धि है व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा अगर कोई जोखिम लेना चाहते हैं तो आज लीजिए जोखिम लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है शेयर मार्केट में भी निवेश करते हैं तो निवेश करिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए चुगली किसी की मत करिए इससे आपका नुकसान होगा जीवन साथी से मामूली मतभेद की संभावना है तो यहां पर ध्यान रखिए अपनी सोच थोड़ी अच्छी रखिए संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए विद्यार्थियों के लिए करियर में हर तरह से शुभ फल प्रदायक बना हुआ है दिन अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई विशेष परेशानी नहीं स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी स्वास्थ्य बढ़िया है आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र का आज इक्कीस बार जब करिएगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए तो प्रिय दर्शकों यथा मेष लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार